Assalamualaikum, welcome to cooking master home. आज मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। स्पाइसी बिरयानी कैसे बनती है उसके लिए मैंने इधर ली है 1 किलो मुर्गी ली है और 1 किलो टमाटर लिए, इनको मैंने काट लिए थे, और 6 आलू बुखारे लिए, और यहाँ मैंने पत्ते लिए, प्याज को मैंने काट लिए थे और पत्ते भी लिए, और आलू को मैंने बॉइल कर लिए थे, उनको पीसेस कर लिए, 4 आलू लिए। ये घर पे मैंने मसाला तैयार किया था, इसके मैं आपको सामान बता देती हूँ। जो मैंने आपको बताया था ये मसाले के लिए मैं सबको सामान बता देती हूँ। नमक, लाल मिर्च, जीरा डाला था, धनिया, दालचीनी डाली थी, काली मिर्च डाला था उस मसाले में। ये मसाला मैंने घर में तैयार किया था। जायफल, जावित्री डाली थी मैंने, लौंग और इलायची, इन सबको मैंने भून के मैंने चॉप कर दिया था। एक बिरयानी मसाला आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने दही तैयार की है, इसमें 15 मिर्ची डाली है और इसको मैंने मिक्स कर लिया, ब्लेंड कर दिया। और यहाँ पर मैंने लिया है दही, दही लिए, सादी दही, ये वाली दही लिए रायता बनाने के लिए, बॉयल चावल लिए, साथ में ही धनिया पुदीना लिया है। एक बार मैंने ऑयल डाल दिया, इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज फ्राई करेंगे, जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं हम आपको रायता बनाना सिखा देते हैं बिरयानी का। बिरयानी के साथ जो रायता हम खाते हैं वह आपको रायता बनाना सिखाएंगे हम। सबसे पहले हम दही लेंगे, 1/2 किलो दही लेंगे, रायते को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये मैंने आप ये रायता बनाया घर पर ही। अंदर मैंने धनिया, 1/2 मिर्ची डाली थी, उसको ही मान ग्राइंडर कर लिया, उसमें डाल देंगे हम। फिर इसके बाद मिक्स करेंगे अच्छी तरह, काली मिर्च डाल देंगे अब इसमें, थोड़ा सा लहसुन का पानी डालेंगे, बाउल में डाल देंगे, साथ में प्याज डाल देंगे और इसमें मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स करते रहेंगे। बहुत अच्छी आपको स्पाइसी बिरयानी मैं बनाना सिखा रही हूँ, घर पर ऐसे इंजॉय करें। और हमारी वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर दिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिएगा। साथ में हमारा रायता तैयार है, उसमें धनिया डाल देंगे। हमारा रायता तैयार हो चुका अभी है, रायता हमारा तैयार हो चुका है, इसमें फ्रिज में रख देंगे। हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इसके अंदर हम टमाटर फ्राई कर देंगे। टमाटर हमारे गल गए, अब इसमें दही डालूंगी मैं, दही और मिर्च, अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मिक्स करते रहेंगे इसमें। और इसमें हम इमली डालेंगे, आलू बुखारे डालेंगे, पहले इमली का पानी डालेंगे उसके अंदर, आधे आलू बुखारे डाल दिया, अब आधे और डालेंगे, थोड़ी सी डाल दी थी इमली डाले हमने, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह, मिक्स करते रहेंगे। जो मैंने आपको मसाला बनाना सिखाया था वो आपको ऐड कर रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से करते रहेंगे। गरम मसाला और धनिया डालेंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे अच्छी तरह, मिक्स करते हम रहेंगे। नींबू डालेंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे अच्छी तरह, मिक्स करते रहेंगे। बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी हमारी। इसके अंदर नींबू डालेंगे, साथ में लहसुन अदरक डाल दूंगी, साथ में पत्ते डाल दूंगी, साथ में नमक डाल दूंगी। ये इसको हमने कोरमा को तैयार हो गया है, हमारा कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तेल लगाएंगे इसकी। चावल हमारे बॉयल हो चुके थे, ये मैंने आपको दिखा दिया था, अब इसके अंदर मैं कलर डाल रही हूँ चावलों का, साथ में हम कोरमे की तेल लगा देंगे। हमारी बिरयानी तैयार हो रही है, अपने आराम आराम से कोरमे की तेल लगाते रहेंगे। तेल लग चुके हैं पहले, अब दूसरी तेल लगाएंगे, चावल डालेंगे उसमें, बॉयल चावल, और उसके ऊपर तेल लगाएंगे, अब इसमें जर्दे का रंग डालेंगे ऊपर, अब ये तेल लगाएंगे बिरयानी पुलाव की। इसमें एक और तेल लगा रहे हैं, बहुत मज़े की हमारी बिरयानी है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना, आप हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, और जो आप हमें पूछना है और कमेंट्स में आप पूछा करें। हमारी तेल लग चुकी है, उस पर बिरयानी के साथ उबले हुए चावल की
आगे उल्टा करेंगे। उल्टे में चावल डाल दिए, घर का रंग डालेंगे उसके अंदर, धनिया डाल देंगे। अब ये हमारी तैयार हो चुकी है बिरयानी। कमेंट में बताएगा कैसे बनेगी, कैसे बनी है बिरयानी। हमने तो मैंने ट्रे को डेकोरेशन कर लिया, अब इसके अंदर बिरयानी डालेंगे। ऐसे अब घर में डेकोरेशन कर सकते हैं। ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम गार्निश के लिए अब हमने डाल दिया है। ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये अब घर में ट्राई करें और बनाएं। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिए। देखें, बहुत मज़े की बनी है बिरयानी हमारी। अल्लाह हाफिज़।